पार्टनर, हमने आज तक कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोला है ना, पर अक्सर बातें हम बगैर कहे समझ जाते हैं। बिल्कुल। हम यहां बिजनेस मीटिंग के लिए नहीं आए हैं ना? मैं तुम्हें दरअसल यहां बिजनेस मीटिंग से भी ज्यादा अहम एक और काम के लिए लाया हूं। कौन सा काम? ये कहना कि हम यहां लाइफ का कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने आए हैं, यानी तो ये गलत नहीं होगा। समझ गया। जब तुम उस शाम शाइमा के साथ आए थे, तुमने कहा कि तुम अब शाइमा के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहते, टॉपिक क्लोज कर दिया जाए। मैंने बगैर कुछ कहे तुम्हारी बात मान ली थी, ना कोई सवाल पूछा था ना कोई जवाब मांगा था। ठीक है, मैं भी जीनिया का टॉपिक क्लोज करना चाहता हूँ, पॉजिटिव या नेगेटिव, मैं अब इस बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता। मेरी बात मान लो और मुझे भी शुक्रिया कहने का मौका दो। हाँ ठीक कह रहे हो, लेकिन लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारा पार्टनर नहीं हूं, समझे? मैं तुम्हारे एक अच्छे दोस्त की तरह तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूं। मसलन क्या? अयाज, गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन कुदरत भी तो हर किसी को एक दूसरा मौका देती है, खास करके जब मोहब्बत का मामला हो, और मोहब्बत में माफ कर देना इतना मुश्किल भी नहीं आया। मोहब्बत के फैसले मुश्किल नहीं होते जावियर। मैंने जीनिया को बहुत से मौके दिए, मगर उसने हमेशा मुझसे अलग रास्ते का इंतखाब किया है, लेकिन अब बहुत हो चुका। अयाज सुनो तो, वो लड़की तुम्हें चाहती है, और रही तुम्हारी बात, तो तुम्हारी हालत भी मुझसे छुपी नहीं है। तुम्हें नहीं लगता कि बहुत देर हो गई है? कोई देर नहीं हुई। कैसी देर हो गई है अयाज? वो वहां देखो, वो उस टावर पे देखो, वहां तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारा इंतजार कर रही है। मत तड़पाओ खुद को, वो तुम्हारे लिए आई है। मैंने उस पे यकीन किया, उसने क्या किया? मुझसे झूठ बोला, ऐसे जैसे मेरी कोई अहमियत है ही नहीं। अब खुद ही बताओ ये कैसी मोहब्बत है? अयाज, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ प्लीज। तुम उससे मोहब्बत करते हो ना? हाँ, सारे सवालों का बस यही एक जवाब है। मुझे इन औरतों के अफेयर समझ में नहीं आते, लेकिन मुझ पर तुम दोनों की मोहब्बत साफ जाहिर है। चलो। गुड इवनिंग मिस्टर ऑनर जी, कहिए क्या बात है? जी नहीं, और कोई कमिटमेंट नहीं है। जी हाँ, जी समझ सकता हूं मैं। थैंक यू, प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। जानता हूं, यकीनन कोई बुरी खबर है। हाँ बुरी खबर है, हमें 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यही बुरी खबर है। वो स्टेडियम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया। ओह यस, एक मसले से तो अब निकल ही आए हैं, लेकिन अभी हमारी मंजिल बहुत दूर है। अयाज मेरे दोस्त, देखो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी समंदर के उस पार तुम्हारा इंतजार कर रही है। हाँ? देखो वो छोटा सा आइलैंड तुम्हारी खुशियां समेटे बैठा है, पागल। चलो अयाज। चलो ना अयाज, जाओ ना। बिल्कुल नहीं यार, पागल ना बनो, सब इंतजार कर रहे हैं वहां। मैंने उसका बहुत इंतजार किया। क्या मतलब? तो अब तुम उसे इंतजार कराओगे वहां? नहीं, मैं चाहता हूं कि वो इंतजार ना करे। अयाज यार ऐसे ना कहो, वो मर जाएगी इस दुख में। अच्छा है, दुख में मरने का क्या मतलब होता है? अब वो समझ जाएगी।
तुम्हें क्या बताऊं? इस वक्त पता है मेरा पूरा जिस्म कांप रहा है, मेरे हाथ, मेरे पांव, मेरा सब कुछ। बहुत घबराहट हो रही है मुझे दोस्तों। वो आएगा ना फिजा, आएगा ना वो। आ जाओ अयाज, आ जाओ प्लीज, आ जाओ। यार अभी एक बोट देखी थी, गायब हो गई। हाँ देखो देखो, वो रही बोट। दोस्तों थोड़ी देर में जीनिया और अयाज का झगड़ा खत्म होने वाला है। अरे सच में मुझे तो ये सब देखकर यकीन ही नहीं आ रहा। इंसान अपनी गर्लफ्रेंड का दिल खुश करने के लिए क्या कुछ नहीं करता। अगर इस लम्हे में जज्बात में आकर अयाज से पहले जीनिया का हाथ मैंने थाम लिया तो। डार्लिंग तुम्हें पता है क्या करना चाहिए? आज की रात सिर्फ खामोश रहना चाहिए। वो देखो वो रहे, वो लोग नीचे उतरो, उतरो जल्दी उतरो। हाँ, चलो 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 जल्दी करो। अयाज कहाँ है? क्यों नहीं आया आज वो? भाई क्या आप उसे अपने साथ नहीं लेकर आए? नहीं कर सका। ऐसा कैसे हो सकता है जावियर? तुम जानते नहीं कि हमने उसके लिए क्या क्या तैयारियां की थी। अगर अयाज को सच्चाई बता देते तो वो जरूर आ जाता। हाँ बिल्कुल आ जाता। उसे मालूम था ना मैं यहाँ हूँ, और वो ये जानते हुए भी नहीं आया ना। उसे बताया भी तो फिर वो क्यों नहीं आया आखिर? सीनिया ऐसा ही है ना जावियर? मैंने उसे खो दिया, मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया है। अब ज़ीनिया सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अयाज समझ जाएगा तुम उससे कितनी मोहब्बत करती हो। देखो कुछ देर पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट जो तुम्हारी वजह से मिला है। अयाज ये बात समझ जाएगा। जावियर मैं उसके बगैर क्या करूंगी? ज़ीनिया मेरी प्यारी बेटी, चलो उठो बेटी, बात करो। अपना दिल हल्का कर लो, लेकिन ऐसे नहीं करो बेटी। उठ जाओ बेटी, प्लीज उठ जाओ। ज़ीनिया यार देखो मैं आई हूं, कम से कम मेरी तरफ देख तो लो, कुछ बोल ही दो।
सुलह हो जाएगी तुम दोनों में, परेशान नहीं हो। बेटी डराओ नहीं मुझे, अल्लाह का वास्ता है। ज़ीनिया, वो क्या था हमारा फलसफा? छोड़ दो, वापस आ गया तो तुम्हारा ही है। चलो छोड़ो तुम इन सब बातों को, चलो शॉपिंग करने चलते हैं या फिर कुछ खाने चलते हैं, और उसके बाद फिर वो तुम्हारे पसंद की कॉफी है ना, वो भी पीने चलेंगे, और फिर हम समंदर पे चलेंगे और समंदर के किनारे बैठ के अपनी पुरानी यादों को ताजा करेंगे, ठीक है ना? आहिस्ता से, ज़ावियर, गुड मॉर्निंग। खैर तो है ये सूटकेस वगैरह? वो बाबा से बात हुई थी मेरी, तो पार्टनर वो बीच में आने वाली प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, यानी ऐसे समझो कि हम घर वापस जा रहे हैं। लेकिन यहाँ भी वापस आ सकते हैं शायमा। सावियार ठीक है, मैं बाबा के लिए कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन फिजा ने मुझसे अब तक सॉरी नहीं की। सुन लिया मैंने। खैर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। यार ऐसी बातें नहीं करो, जल्दी किस बात की थी पार्टनर, यानी ये घर भी तो मेरा ही है, मैं जानता हूँ। ठीक है, चाबी तुम्हारी पॉकेट में है, जब तुम्हारा दिल चाहे आ सकते हो। ओके थैंक्स अ लॉट बड़ी, खुदा हाफिज। चलो मुझे माफ कर दो कि तुम, मैं जानती हूं, और मैं बेसब्री के साथ उस दिन का इंतजार करूंगी। और फिर उस दिन मैं ये कपड़े पहनूंगी, का है। मुझे नहीं मालूम, हम तो भी दोस्त बने। क्यों, उसका कार्ड नहीं है क्या? असल में वो भी नहीं मालूम, शायद होगा। I'm sorry, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। It's okay. देखकर बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे, पैट शॉप है मेरी। Oh, really? खैर आपका टाइम लिया मैंने, सबसे पहले जो पूछना था वो पूछे बगैर इतने सवाल पूछ लिए। सबसे पहले क्या पूछने वाली थी? ये पपी आपका है ये पूछती, लेकिन आपका लग नहीं रहा। एनीवे गुड डे। एक्सक्यूज मी, एक सेकेंड। ऐसा है कि ये पपी तो मेरा है, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ खास मालूमात नहीं है। यानी ये पपी आपको गिफ्ट मिला है, राइट? आपको ऐसा क्यों लगा? ये आजकल ट्रेंड चल रहा है, लड़कियां आजकल अपने बॉयफ्रेंड्स को इस तरह के गिफ्ट्स देती हैं। ये जितना भी अच्छा लगता हो, लेकिन इंसान और जानवर के बीच प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। यार, मैं जितना कम जानता हूँ आप उतना ही ज्यादा जानती हैं इस बारे में। मेरा काम जो है। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपकी शॉप पर लेकर आ सकता हूँ। श्योर। क्या हुआ
उलझे बहुत पसंद आ गया। नहीं वैसे ये क्या है, यानी इस तरह का कोई यूनिफॉर्म भी हो सकता है क्या? प्रिंसेस अल्लाह को माने, यानी इस यूनिफॉर्म के ऊपर यहाँ पे टीम का नाम लिखा होना चाहिए। कम से कम बाजौक इंसान तो ऐसे ही कर सकते हैं। मोनिका डार्लिंग, अगर तुम चाहो तो हम मजीद इंतजार नहीं करते। ज़ीनिया अब नहीं आएंगे शायद, हमेशा की तरह। ओके चलो शुरू करें। एवरीबॉडी, सीसा डांसर ब्रांड अभी बिल्कुल नया है, अभी कल की ही बात है। ये किस बात की सेलिब्रेशन है ये पूछ सकते हैं आप। और तमाम सेक्टर्स ने इन बॉक्सेस में रखे यूनिफॉर्म्स के बारे में बातें करना भी शुरू कर दी हैं। और क्लाइंट्स को जीतने के लिए कामयाब जॉब का होना बहुत ज़रूरी है, यानी इस वजह से इस वक्त सेलिब्रेशन का ये बिल्कुल सही वक्त है। और काश के इस कामयाबी की असल हकदार ज़ीनिया भी हमारे साथ होती। आज की ये शाम सीसा डांसर के नाम है। अजीब सी एंट्री हुई है ये। कैसे? पपी के नाम पे पपी जो लिखा है, इसके इंजेक्शन में कोताही मत कीजिएगा। ओके ओके बस हो गया। देखो मैं यही हूँ, अगर गुस्सा आए तो मुझे बाइट कर लेना। ओके कुछ भी कर लो, मेरे पास से नहीं जाना। I'm sure आपकी गर्लफ्रेंड पछता रही होगी। मैं समझा नहीं। आपकी गर्लफ्रेंड का कह रही हूँ, आपको ये पपी गिफ्ट करने से पछता रही होगी वो। यानी इसका ख्याल कैसे रखेंगे, आपको तो कुछ भी नहीं मालूम। आपकी गर्लफ्रेंड चैलिस होती होगी आपके लिए। बहुत सी लड़कियों को ऐसा करते हुए देखते हैं हम, मतलब पहले तो वो लोग ऐसे पपी गिफ्ट करती हैं, बाद में पपी को ज्यादा अहमियत देते हो ये कहकर शिकायतें करती हैं। नहीं तो, यानी शिकायत करने वाली कोई नहीं है। सॉरी मैंने तो आम सी बात की थी, यानी सिंपल फ्रेंड्स इस तरह के पपी नहीं देते गिफ्ट में। मगर ऐसी बात नहीं है, मेरे सभी दोस्त मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं। शाइमा डार्लिंग, मैं जानता हूं तुम्हें इस तरह रोज रोज सूटकेस के साथ फिरने में परेशानी हो रही है, लेकिन मैं वादा करता हूँ जल्द से जल्द हम अपने घर का बंदोबस्त कर लेंगे, ठीक है ना? मुझे पता है यहाँ बाबा के साथ रहना थोड़ा मुश्किल होगा, और हाँ यहाँ पर फिजा भी है, लेकिन बस थोड़ा सा सब्र और प्लीज। हाँ सब्र के तो बहुत से मुकाम आएंगे। वैसे बाबा का शुक्रिया कि उन्होंने हमें यहाँ आने की इजाजत दी, लेकिन फिजा को हकीकतन मुझसे माफी मांगनी चाहिए, वरना बहुत मुश्किल होगा। देखो मैं ये मसला जरूर हल कर लूंगा, तुम परेशान ना हो, ठीक है ना? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। यानी अगर मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक है तो उसका एहतराम उस पे भी तो लाजिम है ना? हाँ बिल्कुल सही कहा। खैर इन बातों को फिलहाल छोड़ो, अंदर आकर बैठो प्लीज, आराम से बैठो आओ। भाईजान क्या हुआ, खैर तो है सुबह सुबह? गुड मॉर्निंग फिजा, तुम्हें शायद मालूम नहीं है लेकिन मेरी बाबा से बात हुई थी, दरअसल वो तुम्हें वक्त ना मिलने की वजह से शायद बता नहीं सके होंगे। हम वापस आ गए हैं। हम मतलब? हम से मुराद मैं और शाइमा हैं। हाँ तो ये मतलब है? फिजा प्लीज फिर से शुरू ना कर देना। भाई मुझे यकीन नहीं आ रहा आप अभी तक नहीं समझे कि मैं इस लड़की के साथ नहीं रह सकती, आप क्यों नहीं समझ रहे? यार फिजा उससे एक छोटी सी माफी मांग लेने से कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, प्लीज क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती हो भाई की खुशी के लिए? हाँ हाँ मैं भी बिल्कुल यही बात कर रही हूँ भाई, अपने भाई की खुशी। फिजा बस करो, वो नीचे बैठी हुई है, तुम वहां जाओ और उससे माफी मांग लो, बस इतनी सी बात है, मर नहीं जाओगी। चलो
अरे हेलो मोनिका मैडम, खुशामदीद आपको। हेलो, ज़ीनिया घर पर है? जी हाँ वो है, आप अंदर आइए। ऑफिस भी नहीं आई, कॉल भी रिसीव नहीं की उसने, मुझे फिकर हो रही थी। वो थोड़ी से जरा बीमार है क्या? इश्क। कहाँ है, क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? जी हाँ मैं बुलाती हूँ। मैं खुद चली जाऊंगी उसके पास। जी क्यों नहीं, आइए प्लीज। ज़ीनिया। ज़ीनिया बेटी देखो उठो, मोनिका मैडम आई है। ज़ीनिया, मोनिका मैडम तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अच्छा मामा, थोड़ी देर में ओबामा भी आने वाला है, दोनों से एक साथ ही मिल लूंगी। ज़ीनिया। मोनिका मैम वेलकम। ये कितना कितना अच्छा सरप्राइज है ये। मैं आपके लिए अगर कॉफी बना के लाऊं तो? जी बहुत शुक्रिया। ओके। ज़ीनिया, ये सब कुछ क्या है? घर में हूं ना, इसलिए स्लीपिंग सूट में हूँ, ब्लैंकेट में हूँ। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा तो क्या करूं? क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? यानी वो... अच्छा अच्छा रुको, अभी तुम कुछ नहीं कहना, मैं बोलूंगी, बाद में तुम अपना आइडिया देना। ओके, पहले हम अपने सिचुएशन को देखते हैं। और तुम एक बहुत टैलेंटेड लड़की हो। हाँ, मैंने इस टैलेंट को देखते हुए इन्वेस्टमेंट की है। इतनी बड़ी कंपनी की अथॉरिटी तुम्हारे पास है, हमारा पहला काम तुमने बहुत मेहनत से किया है, इसलिए हमें कामयाबी हुई। बीच में तुमसे कुछ गलतियां भी हुई लेकिन मैंने उसे अहमियत नहीं दी। क्यों, सही कह रही हूं ना मैं? सही है। लेकिन बाद में क्या होता है, ज़ीनिया गायब हो जाती है, फोन पर गायब हो जाती है। देखो ज़ीनिया, तुम्हारे लिए कुछ भी सोचे बगैर एक प्रोफेशनल बनने के लिए तुम्हें अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट से और ज़हानत से तुम्हें सीखने की जरूरत है। हमारे भरोसे को टूटने से बचाना है। काम में गलती तो ठीक है, लेकिन ऐसे बच्चों की तरह नाराज होकर एक कोने में बैठना नामुमकिन है। फौरन सोचो और एक फैसला करो, काम करना है तुम्हें या नहीं। आज यहां तुम्हें इस प्रॉब्लम को हल करना है। मैं यहां आखिरी बार तुम्हारे पास आई हूं, तुम्हारा भी यही आखिरी काम होगा। फैसला तुम करोगी, तुम बोल सकती हो। मोनिका मैम, आपने कभी अपना दिल उठाकर समुंदर में फेंका है? क्या मतलब तुम्हारा? आपका दिल कह रही हूं मैं, क्या कभी आपने उसे समुंदर में फेंका है? बिल्कुल ऐसे जैसे कि हर तरफ तितलियां नजर आ रही हों, उड़ती हुई नजर आ रही हों और अचानक सब तितलियां गायब हो जाएं और आपके दिल में उन तितलियों के लिए कब्र बन गई हो। आपको ऐसा कभी लगा कि जहां आपने कदम रखा वो जमीन आपके कदमों से खींच ली गई हो, और जैसे आपका दिल रुक जाए और आपको सांस भी ना आए, ऐसा महसूस किया है क्या कभी आपने? तुम अपनी जॉब करो, चाहे जो महसूस करना है करो, किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन तुम्हारी इन सब चीजों का तुम्हारे काम से कोई ताल्लुक नहीं। पता नहीं, मेरे ख्याल से नहीं, लेकिन मेरे लिए है। सबसे अच्छा है कि मैं रिजाइन कर दूं, बल्कि इससे अच्छा तो आप खुद मुझे फायर कर दें। मैं कुछ नहीं समझ पा रही। मैं कह रही हूं
मैं ऐसी हालत में हूं कि डिजाइनिंग तो दूर की बात है, मैं एक लाइन भी नहीं ड्रॉ कर सकती। बिल्कुल समझ गई हूं मैं, मुझसे नहीं होगा। मैं इश्क और मोहब्बत की तस्वीर बना सकती हूं और कुछ नहीं जानती मैं। यानी अयाज नहीं है तो कुछ भी नहीं है क्या? अगर अयाज नहीं है तो मैं भी नहीं हूं, अयाज से ही मेरी जिंदगी है। समझ गई, लेकिन एक चीज मत भूलना जीनिया, मोहब्बत का दुख और उसकी तकलीफें तुम्हारे बहुत काम आ सकती हैं। मेरी बिजनेस लाइफ में पहली क्रिएशन की कामयाबी भी मेरी मोहब्बत में मिले हुए दुख की वजह से हुई थी। पंद्रह दिन है तुम्हारे पास, नए विंटर सीजन की डिजाइनिंग बनाओगी तुम। 15 दिन के बाद अगर नहीं आई तो तुम्हें आइंदा कॉल नहीं करूंगी। इस दौरान तुम जो दिल चाहे करो, मुझे कोई परवाह नहीं। इन तितलियों को या तुम जिंदा करो या तुम अयाज से सुलह करो, मुझे कोई परवाह नहीं। समझ गई? ओके। अच्छा, अभी कहाँ है वो, तुम्हें कुछ मालूम है क्या? अयाज ने जीनिया को ग्रीन सिग्नल दिखा दी है, ये बता रहा हूँ मैं आपको। और अगर मैं अयाज की जगह होता तो ग्रीन सिग्नल दिखाना तो दूर की बात, इस बेहुदा लड़की को रोड भी नहीं दिखाता और छोड़ देता मैं। ये जीनिया कुछ अरसे के लिए आउट ऑफ सर्विस हो गई है। अब जब वो नहीं है तो इस बात का फायदा उठाते हैं। विंटर कलेक्शन का टाइम आ गया है ऑल्जे, अब हमें अपना फर्क दिखाना होगा। ओ, आपकी काबिलियत और ज़हानत पर कोई शक है क्या प्रिंसेस? आपकी क्वालिटी से कोई कंपैरिजन नहीं इसका, और ना ही इसमें इतना टैलेंट है। मालूम नहीं, टैलेंट तो यूज किया लेकिन शायद उसका फायदा नहीं हुआ, लेकिन अगर ना करूं तो जंग लग जाए। ये बात बहुत अच्छी तरह समझ आ गई है। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि मोनिका ने जो गलत घोड़े पर खेला है उसे समझ आ जाए। अगर किसी को साइनिंग अथॉरिटी दी जा सकती है तो वापस भी ली जा सकती है। मैं आप दोनों का, आपके इस मोहब्बत का एहतराम करती हूँ, लेकिन मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। अकेला छोड़ दे मुझे। अयाज, सीनिया बिल्कुल ठीक नहीं है, खुद पर जुल्म कर रही है वो। यानी न खा रही है, न पी रही है, ऑफिस भी नहीं जा रही, स्कूल नहीं जा रही, रूम से बाहर ही नहीं निकलती।